नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी मेंस वीडियो सीरीज में। पेपर फिफ्थ यानी सामान्य हिंदी का यह पार्ट सिक्स है। पार्ट फाइव में हमने अर्ध सरकारी पद के बारे में जाना था। आपके सिलेबस में जितने भी प्रारूप हैं उन सभी को मैं वन बाई वन कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम अनुस्मारक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र और अंग्रेजी में रिमाइंडर लेटर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि अनुस्मारक पत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं और इसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अनुस्मारक पत्र क्या होता है। जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु किसी एक कार्यालय या विभाग द्वारा कोई पत्र किसी दूसरे कार्यालय या विभाग को भेजा जाता है तो उस पर दूसरे कार्यालय या विभाग से त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। यानी जब किसी एक कार्यालय द्वारा किसी दूसरे कार्यालय को कोई पत्र भेजा जाता है तो जो कार्यालय पत्र भेजता है वह पत्र प्राप्त करने वाले कार्यालय से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा करता है। किंतु जब निर्धारित अवधि के भीतर पहले कार्यालय या विभाग को कोई अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तब दूसरे कार्यालय या विभाग को याद दिलाने के लिए एक पत्र भेजा जाता है। यानी जब पहला कार्यालय दूसरे कार्यालय से किसी पत्र के माध्यम से पूछता है कि आपने हमारे मुख्य पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया तो ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को ही स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहते हैं। तो ये था, हमने जाना कि अनुस्मारक पत्र क्या होता है। अब हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इसमें पहला है, इस पत्र की अपनी कोई विशेषता नहीं होती। याद रखिएगा दोस्तों, इस पत्र की अपनी कोई विशेषता नहीं होती, क्योंकि अनुस्मारक पत्र भेजने के पहले जिस रूप में पत्र भेजे गए हैं उसी रूप को दोहरा दिया जाता है। यानी सरकारी पत्र का अनुस्मारक पत्र सरकारी पत्र के रूप में और अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक पत्र अर्ध सरकारी पत्र के रूप में होता है। यानी आपका मुख्य पत्र जिस फॉर्मेट में होता है, यानी सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, उसका अनुस्मारक पत्र उसी रूप में होगा। यानी आपका अगर मुख्य पत्र सरकारी पत्र के रूप में है तो उसका अनुस्मारक पत्र भी सरकारी फॉर्मेट में होगा। सरकारी पत्रों और अर्ध सरकारी पत्रों के ही अनुस्मारक पत्र भेजे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, केवल सरकारी पत्रों और अर्ध सरकारी पत्रों के ही अनुस्मारक पत्र भेजे जाते हैं। अधिकांश अनुस्मारक पत्रों का प्रारूप सामान्यतः सरकारी पत्र के अनुसार ही होता है। जो आपका सरकारी पत्र का प्रारूप हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके प्रारूप के अनुसार ही अधिकांश अनुस्मारक पत्रों का प्रारूप होता है। इसलिए आपको सरकारी पत्र का प्रारूप याद होना चाहिए, तभी आपको अनुस्मारक पत्र का प्रारूप समझ में आएगा। अगला पॉइंट है, इस पत्र में संदर्भ का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी विषय के बाद संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। संदर्भ में पूर्व में भेजे गए पत्र का उल्लेख होता है। यानी आपका जो मुख्य पत्र था उसका उल्लेख संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है। कलेबर यानी विषय वस्तु के अंतर्गत केवल संदर्भित पत्र व विषय का उल्लेख होता है। यानी आपका जो संदर्भित पत्र यानी मुख्य पत्र था उसका क्या विषय था, इसका उल्लेख केवल आपके अनुस्मारक पत्र के कलेबर में किया जाता है। कलेबर को इस प्रकार लिखते हैं कि उपरोक्त विषय पर पत्र संख्या डॉट 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 दिनांक डॉट डॉट के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डॉट 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 आपके उत्तर की कब तक आशा की जाए। यह आप अनुस्मारक पत्र के कलेवर में लिखेंगे। यानी कलेवर में आपको केवल संदर्भित पत्र यानी मुख्य पत्र का विषय और उस संदर्भित पत्र का क्या क्रमांक और दिनांक था, केवल आपको वह आप इसके कलेवर में लिखना है। इसकी रचना अत्यंत संक्षिप्त होती है। यह पत्र बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में लिखा जाता है और इसकी भाषा
कार्यालयी भाषा की विशेषताओं से युक्त सरल व स्पष्ट होती है, यानी इसमें साहित्यिक व द्व्यर्थी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सरल और स्पष्ट भाषा का, और इसकी रचना बिल्कुल संक्षिप्त होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि इस पत्र में किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है। अब हम जानेंगे इसका प्रारूप कैसा होता है। इसमें हम सरकारी पत्र के अनुस्मारक पत्र का प्रारूप पढ़ेंगे। इस प्रारूप के अंतर्गत सरकारी पत्र के प्रारूप की ही विशेषताएं शामिल हैं, इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको सरकारी पत्र का प्रारूप भली भांति याद होना चाहिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आपके सभी प्रारूप सरकारी पत्र के प्रारूप पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए जानते हैं अनुस्मारक पत्र का प्रारूप। इसमें सरकारी पत्र की ही तरह पेज के सबसे ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम आएगा, और कार्यालय जिस स्थान से संबंधित है उस स्थान का नाम आप लिखेंगे पेज के सबसे ऊपर मध्य में। इसके बाद आएगा पेज की बाईं ओर पत्र संख्या, जो भी पत्र की संख्या है उसका नाम आपके पेज के बाईं ओर हाशिए में आएगा, और पत्र संख्या के जस्ट सामने पेज के दाईं ओर जो भी दिनांक है पत्र लिखने का वयस के जस्ट सामने दाईं ओर आएगा। इसके बाद आएगा प्रति, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम और पता, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं प्रति के अंतर्गत उसका पदनाम और पता लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ उसका आपको नाम नहीं लिखना है। उसके बाद आएगा विषय, तो विषय जिस विषय से संबंधित आपका पत्र है उसका उल्लेख विषय के अंतर्गत संक्षिप्त किया जाएगा। उसके बाद आएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अनुस्मारक पत्र के प्रारूप में, वो है संदर्भ। तो संदर्भ के अंतर्गत आपका जो भी पहले का पत्र है मुखपत्र उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद आएगा संबोधन, संबोधन में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो कि पत्र प्राप्त करने वाला है, उसके लिए महोदय शब्द का प्रयोग करके आपका आएगा कलेवर। तो कलेवर के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसके अंतर्गत केवल आपको जो मुख्य पत्र है यानी संदर्भित पत्र उसका उल्लेख, उसका क्या पत्र संख्या थी, उसका क्या दिनांक था, इसका उल्लेख करना है, और मुख्य पत्र का क्या विषय था उसका उल्लेख करना है। तो दो चीज़ें आपको कलेवर के अंतर्गत याद रखनी है कि जो पूर्व मुख्य पत्र था उसका क्या विषय था, और मुख्य पत्र का क्या पत्र संख्या और दिनांक थी, उस ये आपको कलेवर में याद रखना है। उसके बाद आएगा संलग्न, यानी जो भी आपका अनुस्मारक पत्र का मुख्य पत्र था उसको आप इस पत्र में संलग्न करेंगे। तो मुख्य पत्र के अंतर्गत जो कि हम सरकारी पत्र का अनुस्मारक पत्र पढ़ रहे हैं, तो मुख्य पत्र के अंतर्गत आपका जो भी पहले सरकारी पत्र था उसका उल्लेख आप संलग्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। इसके जस्ट सामने दाईं ओर स्वनिर्देशन आएगा, जिसमें भवदीय शब्द का प्रयोग जो पत्र लिखने वाला है वो अपने लिए करेगा। इसमें जो पत्र लिखने वाला है प्रेषक वह अपना नाम पदनाम और अपना पता यहाँ पर लिखेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं प्रति के अंतर्गत उसका केवल पदनाम और पता आएगा, यहाँ पर उसका नाम नहीं आएगा, जबकि स्वनिर्देशन में जो प्रेषक है उसका नाम पदनाम और पता तीनों आएंगे। तो ये था प्रारूप, इसको एक बार और बात करते हैं इस पर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने बताया है सरकारी पत्र के अनुस्मारक पत्र का प्रारूप है, इसमें पेज के सबसे ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम आएगा, और कार्यालय जिस स्थान से संबंधित है उस स्थान का नाम आएगा। उसके बाद पेज के बाईं ओर पत्र संख्या और इसके जस्ट सामने दाईं ओर दिनांक आएगा। उसके बाद प्रति, प्रति के अंतर्गत जो पत्र प्राप्त करने वाला है उसका पदनाम और पता लिखेंगे, यहाँ पर उसका आपको नाम नहीं लिखना है। फिर आएगा विषय, जो भी आपके आपका विषय है वो उसको आप संक्षिप्त लिखेंगे। उसके बाद आएगा संदर्भ, इसको आपको सबसे मोस्ट है अनुस्मारक पत्र के प्रारूप में सबसे मोस्ट है, तो संदर्भ आपको ज़रूर लिखना है। इसमें जो भी आपका मुख्य पत्र था या पूर्व का पत्र था उसका उल्लेख करना है। फिर आएगा संबोधन, संबोधन में आपको महोदय शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद आएगा आपका कलेवर, यानी मुख्य जो बॉडी है इस पत्र की वो आपको कलेवर के अंतर्गत आएगी। इसमें आपको बस पूर्व पत्र जो आपका संदर्भ पत्र था उसका उल्लेख करना है। इसके बाद आएगा संलग्न, जिसमें आपको मुख्य पत्र यानी सरकारी पत्र को शामिल करना है।
इसके बाद आएगा भव दिए, जो कि आपको दाई ओर लिखना है। इसमें जो प्रेषक है उसका नाम, पदनाम और पता आएगा। तो ये था इसका प्रारूप, आप अच्छी तरह इसको याद कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान अगर दिया जाता है किसी पत्र में तो उसके प्रारूप पर ही, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आप इसका नोट्स जरूर तैयार कर लें, क्योंकि प्रत्येक पत्र का सही व सटीक प्रारूप आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच सकें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम परिपत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।